सबसे पहले तो जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनाव के, उसमें जहाँ तक हरियाणा की बात है, मैं समझता हूँ कि सारे अनुमान, सारी उम्मीद, सारे सर्वे, सारा फीडबैक जिस दिशा में संकेत करता था उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए हैं। और हरियाणा में जो लगभग पूरे देश में इस बात को सब सर्वसम्मति से मानते थे कि वहाँ अच्छे बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे, और जब परिणामों की गिनती चालू हो रही थी मतगणना की, तब रुझान एक तरह के थे। अचानक रुझान बदले और उसके बाद लगातार भाजपा को बढ़त मिली है। इस सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल निर्वाचन आयोग में विज्ञापन दिए हैं। 15-20 सीटों पे जहाँ पे उनको आशंका थी कि उम्मीदवारों को संतुष्टि नहीं है मतगणना की प्रक्रिया से, तो उसका निराकरण निर्वाचन आयोग करेगा। कुछ लिखित कंप्लेन AICC ने भी दी है, वो तो है निर्वाचन आयोग का और हमारे कैंडिडेट्स का जो संवाद और AICC ने किया है। लेकिन ये बात सच है कि उम्मीद से बिल्कुल विपरीत वहाँ परिणाम आए। मैं समझता हूँ सभी लोग बोलते थे, मानते थे कि वहाँ पे 10 साल से जो सरकार थी उससे वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने जो कैंपेन किया, जिस ताकत से हम लोग चुनाव लड़े, उसके अनुरूप परिणाम नहीं आए। और जैसा राहुल जी ने भी कहा है कि इन परिणामों की हम लोग समीक्षा करेंगे और जो करेक्टिव मेजर्स उठाने उसको उठाएंगे। फीडबैक हम लोग ले रहे हैं हमारे प्रभारी, हमारे प्रदेश के नेताओं से, और हम उचित कार्रवाई करेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारा गठबंधन था इंडिया अलायंस का, वहाँ पर स्पष्ट बहुमत के साथ हमारी सरकार से पर्दे के पीछे से चुनाव लड़वाया गया, ताकि जो हमारी कश्मीर प्रोविंस के जो वोटें थीं उन वोट का बंटवारा हो। लेकिन लोगों ने समझदारी करी और अपना वोट जाया नहीं किया, वोट खराब नहीं किया, और हमारे अलायंस को वोट देकर एक स्पष्ट और ऐतिहासिक बहुमत मिला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए सरकार के गठन के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश दिल्ली से की गई थी उसकी भरपाई हो पाएगी, लोगों को रोजगार मिलेंगे, अमन चैन और फैलेगा। और खासकर जम्मू संभाग में जहाँ पहले कभी भी आतंकवादी घटनाएं होती नहीं थी, उस जम्मू संभाग में पिछले साल भर में लगातार वहाँ घटनाएं हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए हैं, उस पर भी नई सरकार बनने के बाद अंकुश लगेगा और एक नई शुरुआत उस जम्मू कश्मीर में होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड था जो छीन कर उसको यूटी बनाया गया था, केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम उसको करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेटहुड बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल पाएगा। आप बोलो क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हरियाणा चुनाव के बाद आपके राजस्थान में भी 7 सीटों पे चुनाव होने हैं, इसको लेके कांग्रेसियों में हताशा तो नहीं? देखिए, जहाँ तक राजस्थान के संदर्भ की बात है, ये पहली बार हुआ है कि 10 महीने हैं सरकार को बने हुए। इन 10 महीनों में आम चुनाव भी हो गए, लेकिन जिस प्रकार का सरकार का निर्माण हुआ था, जब भी जनता सरकार बनाती है कुछ उम्मीदों के साथ बनाती है, दुर्भाग्यवश राजस्थान के अंदर सब कुछ चरमरा गया है। लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रखा है, अफसरशाही हावी है, सत्ता के अनेकों केंद्र बन गए हैं, मंत्री इस्तीफा दे के बैठे 3 महीने से, पता नहीं कि वो मंत्री हैं कि नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी अपना काम करने में उनको छूट नहीं मिल रही है, और सत्ता संगठन के अंदर सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, तो जो कन्फ्यूजन हो रहा है उससे लोगों के काम हो नहीं पा रहे हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए, निर्माण के विकास के जो काम थे लगभग ठप पड़े हैं, बजट आवंटन नहीं हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्वीकृति नहीं मिल रही है, जो काम लास्ट गवर्नमेंट ने किए थे उनको भी रोक दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 10 महीने में इतनी जल्दी कोई सरकार अपना इकबाल खो दे, पहली बार मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जो सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद थी किसी सूरत में पूरा नहीं कर पा रहे हैं, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे खुद की उनके बजट घोषणाएं हो, तो हर तरफ सरकार फेल हो रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि खिंचाव बहुत ज़्यादा है सरकार के अंदर, और जो इनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसका खामियाजा जो है वो जनता को उठाना पड़ रहा है। लेकिन जहाँ तक उपचुनाव की बात आपने पूछी है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, राजस्थान में जो जब भी उपचुनाव डिक्लेयर किए जाएंगे सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हम लोगों ने बहुत पहले से अपनी तैयारी कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हरियाणा के चुनाव का प्रभाव इन उपचुनाव में पड़ेगा, क्योंकि ये अलग राज्य है, अलग परिस्थिति में उपचुनाव हो रहा है। और लोकसभा चुनाव के अंदर जहाँ पिछले से पिछले चुनाव लगातार हम लोग सीट नहीं जीत पाए थे, इस बार हम 11 जगह भाजपा को हमने पराजित किया है, इसलिए उपचुनाव में अधिकांश सीटें हमारे पास थी। और मैं समझता हूँ 7 सीटों पर चुनाव होगा उपचुनाव,
सभी सीटों पे कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी, ये मैं आपको विश्वास कर कह सकता हूँ। इसका हरियाणा का चुनाव का महाराष्ट्र पे इलेक्शन होने वाले हैं। देखिए ऐसा है, ये जो चर्चाएं हैं ये हमारे विरोधी दल करते हैं, लेकिन समझना पड़ेगा कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल का शासन किया है, ऐसा नहीं मैं मान सकते हैं कि एक चुनाव के, आप मत भूलिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लगभग 40% वोट मिला है और लगभग इतना ही भाजपा को मिला है, लेकिन वहाँ क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या समीकरण बने, कुछ आगे पीछे हुआ, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है और मैं समझता हूँ जितना वोट भाजपा को मिला है कहीं उतना ही हम लोगों को मिला है, तो हमारा वोट शेयर बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कांग्रेस का वोट घटा है, लेकिन इसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बाकी राज्यों में ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में हमारा एक मजबूत गठबंधन पहले से है, झारखंड में हमारा मजबूत गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जहाँ पर भी जो कोर्स करेक्शन करना है उसको हम लोग करेंगे, लेकिन मुद्दे हमारे, हमारा नेतृत्व, हमारा चुनाव जो जिस जज्बे से हम लड़ते हैं कार्यकर्ताओं के दम पर, वो लगातार करते रहेंगे। कल ही आपने देखा होगा दिल्ली में हम लोगों ने अपनी शुरुआत कर दी है, झारखंड के चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, महागाड़ी का जो हमारा गठबंधन महाराष्ट्र का है वहाँ पर हमारा सीट जो शेयरिंग है लगभग फाइनल हो चुका है, बहुत जल्दी घोषणा करेंगे। तो इन दोनों राज्यों के जब भी चुनाव इलेक्शन कमीशन डिक्लेयर करेगा दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस का वहाँ पे परचम फैलेगा मैं मानता हूँ ऐसा। और उपचुनाव के अंदर हमारी पूरी तैयारी है, ये जो भाजपा वाले कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, ये उपचुनाव और चार राज्यों के चुनाव साथ में नहीं करा पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति नहीं बना पा रहे हैं कि निर्वाचन आयोग ऐसी घोषणा कर सके, तो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सगुफे छोड़े जाते हैं, और जहाँ पर भी उपचुनाव होगा राजस्थान में पूरी ताकत से हम लोग लड़ेंगे, हमारी तैयारियाँ बहुत अंतिम उस पर पहुँच चुकी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों को बहुमत देकर राज्य सरकार को आईना दिखाएगी। सर जम्मू कश्मीर में अलायंस था, महाराष्ट्र में आपके पास अलायंस है, झारखंड में आपके पास अलायंस है, क्या परिस्थिति रही स्ट्रैटेजिकली कि आप हरियाणा में अलायंस नहीं कर रहे? भाई हरियाणा में CPM को हम लोगों ने एक सीट दी, आम आदमी पार्टी से हमने चर्चा की थी, लेकिन अंत में वो सेटल नहीं हो पाया मामला, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हमारा अलायंस था, इंडिया अलायंस जो राष्ट्रीय अलायंस है, इंडिया अलायंस पहले की तरह मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसमें कोई किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। कश्मीर में हम लोगों ने अलायंस किया NC के साथ, PDP से हम लोग नहीं कर पाए किसी कारणवश, इसी तरह हम लोगों ने CPM से किया, आपसे नहीं हो पाए किसी कारणवश, लेकिन महाराष्ट्र में झारखंड में हमारा पहले से अलायंस है लोकसभा चुनाव के अंदर, तो इंडिया अलायंस कोई कितनी भी साजिशपूर्ण तरीके से आपस में दरार पैदा करने की कोशिश करे, लेकिन खड़गे साहब, राहुल जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा, और विपक्ष की एकता को देखकर भाजपा में कहीं ना कहीं घबराहट महसूस होती है, क्योंकि जो लोग 300-400 पार की बात करते थे वो आज बैसाखियों पर केंद्र सरकार बनाने में उनको मजबूर होना पड़ा, और हमारा जो अलायंस है राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने जब से, उन्होंने सरकार की जवाबदेही तय करी है, लैटरल एंट्री का बिल BJP लेके आई, विड्रॉ करना पड़ा, पकपोर्ट का बिल लेके आई, विड्रॉ करना पड़ा, और हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं करवा के रहेंगे, तो हमारा जो मुद्दे हैं संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा करना, संविधान से छेड़छाड़ ना होना, दलित आदिवासी इन हमारे भाई बहनों को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनका संरक्षण हो, ये कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के पुराने मुद्दे हैं, उन पर हम कायम रहेंगे। मैंने कहा ना लिखित में हम लोगों ने बात की है इलेक्शन कमीशन से, और वो तो निर्वाचन आयोग को जो भी सवाल, सिर्फ कांग्रेस नहीं, कोई भी दल, कोई भी NGO, कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्शन कमीशन से कुछ सवाल पूछता है तो उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण देना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। सर, क्या कारण है अजमेर में संगठन की संरचना पूर्ण रूप से हो ही नहीं पा रही है? ऐसा नहीं है, अभी कमेटी गठित की है, मैंने शहर में करी है, ग्रामीण में भी लोग करेंगे, और अजमेर जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी शुरू से मजबूत रही है और समय समय पर नियुक्तियाँ करते रहते हैं, हमारे अग्रिम संगठन भी हैं, यूथ कांग्रेस है, NSUI है, सब लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी नियुक्तियाँ बची हैं उसका बहुत जल्द हम लोग कर रहे हैं। काफी लंबे समय से आपने अजमेर से दूरी बना रखी है, इसके पीछे कोई खास वजह? ये किसी को कल से नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अजमेर से मैं यहाँ के लोगों की सेवा कर चुका हूँ 5 साल सांसद के रूप से, यहाँ से जो जुड़ाव है, जो अपनापन है वो हमेशा रहेगा, और इसलिए आज मैं सब लोगों से मिलने अजमेर आया। क्या लगता है अजमेर की कांग्रेस एकजुट है? कांग्रेस पूरे देश में, पूरे प्रदेश में एकजुट है और एकजुट रहेगी, आप कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन हमारी 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 एकजुटता टूटेगी नहीं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कांग्रेस एक बहुत बड़ा कुनबा है, जो भी हमारी विचारधारा से मेल खाता है, पार्टी को मजबूत करने का काम करता है, उस नेता नेत्री को हम सब सहर्ष अपने साथ लेकर आगे बढ़ेंगे, और 4 साल तक इस राज्य सरकार और केंद्र सरकार को
इनकी जवाबदेही तय करने के लिए, इन लोगों के जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए। और मैं पूछता हूँ आज जनता से जाके कि 2 करोड़ रोजगार जनता को दिए कि नहीं दिए, किसान की आमदनी दुगनी हुई है कि नहीं हुई है, ये सारे जो खाई बढ़ गई आज अमीर गरीब की, उस पर जवाब देने को तैयार नहीं है। चुनाव में हार जीत होती रहती है, लेकिन एक सशक्त और सक्रिय विपक्ष की जिम्मेदारी है अपने दायित्व का निर्वहन करे, सवाल पूछे, पारदर्शिता तय करे। और हम लोग गांधीवादी तरीके से संघर्ष करते आए, सदन के अंदर भी करेंगे, सदन के बाहर भी करेंगे, लेकिन हार जीत तय नहीं करती है कि हम अपने मुद्दों से भटक जाएं या जिन चीज़ों में हमारा कन्विक्शन है उसको हम परे कर दें। हम लोग अपनी बात पर अड़िग रहेंगे, हर शोषित, दलित, पिछड़ा, गरीब, नौजवान, किसान, महिला, उन सब के साथ कांग्रेस पार्टी, हमारे कार्यकर्ता पहले भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं। आप कांग्रेस के मास्क लीडर हैं, अजमेर में 4 ब्लॉक हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, एक भी नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, ऐसा है? कौन कहां जाता है चिंता मत करो, जब पब्लिक के बीच हम जाएंगे तो जनता कांग्रेस को वोट करेगी। आप पायलट जी बैठे हैं, शहर अध्यक्ष विजय जैन जी पायलट गुट कहते हैं और गहलोत गुट कहते हैं, पहले ये बहुत चलता था, अब क्या लगता है? मैं सालों से आपको समझा रहा हूँ, आप मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। कांग्रेस में एक ही गुट है, वो है खड़गे राहुल सोनिया गुट, तो हम हाँ वो हम सब दो पूर्व अध्यक्ष हैं, एक वर्तमान अध्यक्ष है, और ये तो राजस्थान में भी लागू तो है, हर जगह लागू होता है, पूरा कुनबा एक है। और कांग्रेस ने देखो विपरीत परिस्थितियों में लोकसभा चुनाव में हम सब मिलकर चुनाव लड़े, हमारे कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए, नेताओं पे केस लगा दिए, मुख्यमंत्री को जेल में केंद्र सरकार बंद करती है, तमाम बंदिशों के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी राहुल जी और खड़गे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े, सब नेता एक साथ आए, तब जाके आज हम 100 का आंकड़ा पार कर रहे हैं और देश में एक दोबारा उमंग जगी है कि विपक्ष आज मजबूत होके भाजपा इंडिया को हरा सकता है। ये सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं की मेहनत से हुआ। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपने 3 जगह काम किया, वैसे राजस्थान स्तर पर भी है। मैंने कहा ना आपको, आप कितनी भी कोशिश कर लो, हमारा पार्टी, हमारा कुनबा, हमारा मकसद एक है, एक ही रहेगा। पहले जब बीजेपी जब भी कोई जीत का जश्न मनाती थी लड्डू बांटती थी, अब जलेबी बांट रही है। अब इस देश में हमें चर्चा करनी चाहिए खाद की, बीज की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, अब लाडू और जलेबी और ये इसने कुछ रखा नहीं है, ये सब आपके मीडिया को खपाने की इनकी कोशिश होती है। आप भी कृपया अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखें, आप मुद्दों पर ध्यान रखें, नेता आते जाते रहते हैं लेकिन जनता परमानेंट है, उसके हित के लिए जो काम करेगा उसको जनता पसंद। सर जिले बनाए गए थे पिछली बार, इस बार उसकी समीक्षा हो रही है क्या उन जिलों? अब ये समीक्षा बहुत चीजों की हो रही है, निर्णय को सरकार ले नहीं पा रही है, जो भी निर्णय लें जनहित में लेने चाहिए। इस सरकार में कमेटी बना देते हैं, SI की भर्ती है उस पर कमेटी बना दी है, जिलों पे कमेटी बना दी है, आपस में कन्फ्यूजन सरकार के अंदर है, तो उसका खामियाजा पब्लिक के अंदर पड़ता है, पब्लिक में जो अनसर्टनिटी पैदा होती है उससे किसी को फायदा नहीं होता। मैं तो चाहता हूँ सरकार जनता के हित में निर्णय ले, और पिछली सरकारों ने जो भी काम किए अगर आप उसको बेहतर नहीं कर सकते हैं तो उसको कम करने का नहीं काम करना चाहिए सरकार को। तो जिले जो बनाए आपको लगता है वो सही बनाए थे? जनता ने, जनता के लिए हमने जो सारे काम किए थे और भाजपा सरकार को अपना राजनीतिक हित साधने के बजाय जनता का हित सोचना।